वहीं आरएलपी संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र को कृषि बिलों को वापस लेना चाहिए, अन्यथा आगामी 30 महीनों तक बिलों के क्रियान्वयन को होल्ड कर देना चाहिए। साथ ही कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी लेने की जरूरत है। उन्होंने एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाते हुए स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने की मांग को भी दोहराया। बेनीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर आरएलपी का पड़ाव लगातार जारी है। पार्टी के लोग धरने पर बैठे हैं। किसानों के समर्थन में एक हरियाणा बॉर्डर तक गुरुवार को मार्च भी निकाला गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसान सड़कों पर आंदोलित है, ऐसे में सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बातों पर सहमति व्यक्त कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार करीब करीब 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, कृषि बिलों की वापसी की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि कल किसान संगठनों की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये नतीजा लिया गया कि सरकार ने 1.5 साल तक कृषि कानूनों को रोकने का जो फैसला लिया है और उसके बाद में एक कमेटी बनाने का फैसला लिया, उस कमेटी के साथ में किसान संगठनों की बातचीत होगी और कृषि कानूनों में संशोधन क्या हो सकते हैं उस बारे में किसानों से जवाब मांगा गया था। लेकिन किसानों ने कल की हुई अपनी एक बैठक में इससे साफ इनकार कर दिया कि हमें 1.5 साल तक कानून रोकने से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये कृषि कानून ही वापस हो जाए और इससे पीछे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से किसान लगातार करीब करीब 2 महीने उनको हो चुके हैं अपने इस आंदोलन को लेकर, हालांकि सरकार ने उन्हें 1.5 साल तक कृषि कानून रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने इसे मना कर दिया है मानने से और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और पूरे देश भर से उनके समर्थन में कई लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार को कहा है कि अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। रमेश जी। जी उमंग, सही कह रहे हैं कि किसान आंदोलन काफी लंबा खींच गया है, 57वें दिन चलता रहा, लगभग 2 महीने हो गए इनको सड़क पर बैठे हुए। चिंगू बॉर्डर पर वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ और सिर्फ एक पर जाकर आती है कि सरकार 3 कानूनों को वापस ले, और सरकार की तरफ से भी बार बार जो है हर वार्ता के दौर में उनसे ये कहा गया है कि वो कानूनों को तो वापस नहीं लेगी, लेकिन हाँ किसानों की जो समस्या है, किसानों के जो कंसर्न्स है उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, समाधान का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन जो झगड़े की जड़ जो है वो है 3 कानून को लेकर के। अब किसानों की लगातार जो 10 वार्ताएं हो चुकी है उसके बाद भी निष्कर्ष के रूप में यही उभर करके सामने आ रहा है कि किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। और जहां तक जो है राजस्थान में जो हनुमान बेनीवाल की बात है, तो हनुमान बेनीवाल भी किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। नागौर पूरा जो इलाका है, या कह लें कि जाट बेल्ट में उनकी एक अच्छी पकड़ है, और उन्होंने जो एनडीए के साथ में मिलकर के जो है चुनाव लड़ा, वो बीजेपी से संबंध रखते थे, लेकिन किसी कारणवश वो जो है उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और खुद की एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाई है राजनेता के तौर पर। और राजस्थान में उनकी जो है एक अहमियत, अभी पिछले चुनाव जो हुए थे तो उसमें भी उनकी जो है प्रभावशीलता दिखी थी, लिहाजा वो भी अब ये डिमांड कर रहा है कि कम से कम जो है ये जो सरकार का जो क्या कहना चाहिए कार्यकाल है, उस कार्यकाल तक जो उस पर कोई काम नहीं किया जाए, और जब लोकसभा जो अगला लोकसभा चुनाव हो उसके बाद में जो नई सरकार बने वो उसके ऊपर कोई निर्णय करे, लिहाजा ये भी जो है इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए थे, दरअसल या तो किसान उसको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर किसी न किसी पॉलिटिकल एक एजेंडे के तहत ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले नरेंद्र मोदी के जो दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ तब से लगा करके अब तक जो है एक राजनीतिक एजेंडा चलता रहा, जिसमें सीए भी शामिल है, और सीए के बाद में
यह एक दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है जो सड़क पर हो रहा है। और पिछली बार वाले में भी जो है अलग जो कई राजनीतिक दलों का सीधा या परोक्ष रूप से उसमें संबंध रहा है, और इसी आंदोलन में भी लगभग सभी राजनीतिक दल, वे राजनीतिक दल जो चुनावी राजनीति में अपनी जो है क्या कहने चाहिए हैसियत को गंवा चुके हैं या कि अपना जनाधार बिल्कुल ही खो चुके हैं, वे सारे लोग मिलकर के परोक्ष रूप से इस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। लिहाजा यह जो किसान आंदोलन है अलग परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीतिक क्या कहने चाहिए राजनीतिक प्रभुत्व की बात आ रही है वो सारे लोग। लेकिन हनुमान बेनीवाल का ये कहना कि इसको 30 महीनों के लिए जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, वह भी अगले लोकसभा चुनाव के इंतजार में है। कि दूसरा ये कि हनुमान बेनीवाल की खुद की जो है मजबूरी कह लो ये कि किसानों में अपने जो एक पकड़ बनाए रखने के लिए भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि जब ये लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल आया था तो लोकसभा में उस उन्होंने खुद ने जो है सदन के पटल पर इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, वह भी कमोबेश जो है सरकार के पक्ष में ही बात कर रहे थे। और एक लंबे समय से जो डिमांड आ रही थी किसानों की करीब 1.5 दशक कि किसानों के हितों के लिए इस तरह के कानून बनाए जाए, और जो यूपीए सरकार के दौरान भी इस तरह के प्रस्ताव आए थे जिसमें कांग्रेस ने भी ये जो किसानों के बारे में एमएसपी का हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो या फिर जो है जमीन से जुड़े मामले हो, इन सब के ऊपर समग्र रूप से जो वो अपने विचार रखती है ये। लेकिन ये एक ऐसी मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से रोकना है और इस तरह से एजेंडे को सड़कों पर लाकर के जो है अपना क्या कहना चाहिए विरोध प्रदर्शन करना है। तो किसान आंदोलन बेसिकली शुरू का हुआ था किसान नेताओं के साथ में कि भाई तीन कानूनों में जो बातें की गई है उस पर सरकार गंभीरता से सोचे विचार करे, लेकिन सरकार ने भी अपनी जो बात रखी है वह हो सकता है कि इसमें दिक्कत यह बस इतनी सी आई है कि सरकार ने किसानों को वो बातें ठीक ढंग से प्रॉपर तरीके से समझाने में कहीं कहीं उसकी त्रुटि रही है, और दूसरा इस पूरे आंदोलन को समझने में उसकी कहीं कहीं कमी रही। लिहाजा यह इतना लंबे समय तक चला और अब आज की तारीख में अगर बात करें तो किसान उस बात को लेकर के पूरी तरह से अड़ गए। अब जो प्रस्ताव जो उन्होंने दिया कि 1.5 साल तक इस पर कोई काम नहीं होगा, लिहाजा किसानों को नेताओं को भी सोचना चाहिए था बातचीत करके कि किसी तरह से आंदोलन को समाप्त किया जाए। आप देखिए कि हजारों किसान जो है खुले में बैठे हैं, सर्दियां गुजर गई और पूरे कड़ाके की ठंड में वो लोग जो है वहां पर बैठ करके बातचीत कोई समाधान का रास्ता निकालने के लिए प्रदर्शन कर, लेकिन ये सारी चीजें हैं इससे क्या है पूरा तंत्र जो होता है एक सिस्टम होता है एक व्यवस्था होती है वह भी कहीं ना कहीं बिगड़ती है। लिहाजा आज के संदर्भ में अगर 2 महीने से अगर कोई आंदोलन चल रहा हो और उससे क्या होता है कि आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां तो ठप होती ही है, लेकिन एक आपकी जो इमेज होती है ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज कल जो है संचार साधन इतने जबरदस्त तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि पल पल की खबरें पूरी देश और दुनिया में फैल जाती है। लिहाजा ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए तो इसका जो एम्बर्समेंट है वो भारत को उठाना पड़ता है। इसलिए समग्र भी जो बातों को अगर ध्यान में रखते हुए सरकार हो और किसान नेता जो आंदोलनकारी है वो मिल बैठ करके, और संभावना आज ये एक वार्ता का दौर आज हो रहा है तो उम्मीद की जा रही है और सरकार की तरफ से भी संकेत दिए गए कि कहीं ना कहीं आज की वार्ता में इस तरह का कोई एक सकारात्मक रास्ता निकालने की पूरी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल पुरोहित जी आपने बिल्कुल सही कहा। अब खैर अब देखने वाली बात ही होगी कि किसानों का ये आंदोलन अब किस ओर मुड़ेगा, और 26 जनवरी को जो इनकी ट्रैक्टर रैली की बात की जा रही है उस पर भी किसान अड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन से भी उनकी जो वार्ता है वो विफल रही है। खैर अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस किसान आंदोलन के और क्या नए रंग रूप देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।